आगे कहा शांति, अंतकरण में राग द्वेष जनित उपद्रवों का न होना, उसी को कहते हैं शांति। अब देखो, मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहता हूँ और कई बार हमारी शिविर होती है ना, तो मैं पूछता हूँ कि आप में से कितनों को शांति प्रिय है, तब सब लोग हाथ ऊपर करते हैं और कहते हैं कि हाँ हमको शांति की कामना है। और वो शांति पाने के लिए कई लोग हिमालय जावें, वो शांति पाने के लिए कई लोग जंगल में जावें, वो शांति पाने के लिए कई लोग कोई ध्यान करे, कोई जप करे, कोई तप करे, कोई व्रत करे, कोई यज्ञ करे, लेकिन शांति मिलती बहुत बढ़िया। अब देखो, शांति हम सब कोई पाना चाहते हैं, पर शांति बोलते किसको है ये पता नहीं है। देखो, हम हर कोई चाहते हैं कि हमको जीवन में शांति मिले, पर शांति यानी क्या? सिर्फ चुपचाप बैठे रहना, उसको शांति बोलते हैं? चुपचाप बैठे रहने वाले मनुष्य के मन में भी अशांति के समुद्र गरज रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि नहीं? संभावना पूरी है। चुपचाप यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो यह जरूरी नहीं कि वो शांत भी है। बोले बिना बैठा है इसका मतलब यह नहीं कि वो शांत है, उसके मन में अनेक अनेक विचारों का उपद्रव अभी चल रहा है। तो शांति का डेफिनेशन क्या? आंख बंद करके सिर्फ बैठ गए वो भी शांत नहीं, बोले बिना बैठे हैं वो भी शांत नहीं, कोई एक्शन कर नहीं रहे वो भी शांत नहीं है। शांति रखना यानी क्या? शांति को पाना यानी क्या? अपने इंद्रियों के किसी भी उपद्रव को सपोर्ट न करना और इंद्रियों के किसी भी उपद्रव से अपने आप को इफेक्ट न होने देना, उसी अवस्था को कहते हैं शांति। समझ में आया? ये इंद्रियों के उपद्रव कभी शांत होने वाले नहीं है। आपको यूं लगे ना, ये इंद्रियां बिल्कुल शांत हो जावे, बिल्कुल मुझे परेशान नहीं करे, ये तो ऐसे ही है कि समुद्र के किनारे गए कुछ खाना खाने के लिए, लेकिन ये विचार किया खाना तो खाऊंगा पर तब ये लहरें रुक जावे, तब लहरें रुकने वाली हैं? कभी कभी नहीं रुकने वाली। और आप भी ये सोचोगे कि हाँ मन के अंदर कोई उपद्रव न हो तब मेरा मन शांत हो, तो उपद्रव कभी रुकने वाले नहीं है। लेकिन मन में जागे हुए किसी भी उपद्रव को आपको इफेक्ट न होने देना, उसी को कहते हैं शांति का अनुभव। इसलिए कहा शांति जिसके अंतकरण में शांति है, और वो क्योंकि मन के अंदर यदि उपद्रव हुए तो मन अशांत हो जावे, और ये उपद्रव का स्पर्श न हो तो शांत हो, और वो भक्त प्रभु को प्रिय।